टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, क्या चल रहा है? टाइगर 3 चल रहा है भाई साहब, सॉलिड एंड ऑसम रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। बुकिंग मतलब धड़ल्ले से चल रही है। देखो इस टाइम पर वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप के टाइम पर भी ऐसा लग नहीं रहा था कि इतने सॉलिड रुझान देखने को मिलेंगे, क्योंकि जवान और पठान के टाइम पर उन्हें एडवांस बुकिंग एकदम एक तरफा मिली थी, लेकिन इस टाइम पर इन्हें नहीं मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है सुपर सुपर अमेजिंग। अभी आप बात करेंगे कल रात तक की एडवांस बुकिंग के बारे में, PVR नेशनल चेंज में कैसी रही है, देन उसके बाद 2D हिंदी IMAX से एंड 4DX से तेलुगु से, मतलब कितना क्या रुझान रहा है, कितनी इन्होंने टिकट बेच दी है कल रात तक, कितना कलेक्शन इन्होंने ले लिया है एडवांस में ही, और ये मूवी फर्स्ट डे कितना करने वाली है, क्या जवान पठान के रिकॉर्ड को तोड़ दोगी, क्या नेशनल चेंज में पठान और जवान के रिकॉर्ड को तोड़ दोगी, जो भी बातें होंगी सब अभी बातें करेंगे आगे चलकर। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करेंगे नेशनल चेंज से। भाई साहब कल रात तक का बताऊं तो PVR और INOX को मिलाकर इस मूवी ने, मतलब वायरफ ने टाइगर 3 से 81,500 टिकट उन्होंने सोल्ड आउट कर दिए थे PVR और INOX को मिलाकर। सिनेपॉलिस से उन्होंने 19,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए थे और टोटल टिकट सिर्फ नेशनल चेंज में 1,500 बेच दिए थे। तो भाई ये सॉलिड रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। लेकिन उसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो जवान और पठान के पास एक बेहतरीन रिकॉर्ड है। पहले 24 घंटे में इन लोग, जवान ने पहले 24 घंटे में नेशनल चेंज में 1,40,000 टिकट बेचे थे और पठान ने 1,17,000 टिकट बेचे थे। लेकिन आज प्रॉपर 3 दिन हो चुके हैं टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग ओपन हुए और अभी तक इन्होंने 1,500 टिकट ही बेचे हैं नेशनल चेंज से। तो अभी रुझान धीरे देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है लास्ट में रुझान तेज देखने को मिल जाए, हो सकता है ये मूवी एडवांस बुकिंग कलेक्शन के मामले में थोड़ा कम रह जाए। लेकिन जब इस मूवी के रिव्यू आएंगे, रिव्यू आउट होंगे, वर्ड ऑफ माउथ जो कहते हैं, तो यहाँ से ना बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। मतलब ये मूवी लंबी रेस की घोड़ी में शामिल होने वाली है। तो अभी तक टाइगर 3 का अगर बताऊँ मैं, हिंदी 2D से कितनी बुकिंग ले ली है इस मूवी ने, तो सिर्फ सिंगल लैंग्वेज सिर्फ इसी से हिंदी 2D से ही 7 करोड़ का कलेक्शन आ चुका है कल रात तक, और 2,55,000 टिकट इन्होंने कल रात तक बेच दिए थे और सोच इनके खाते में कल रात तक आ चुके थे 9,800 सोच के आसपास या फिर इससे ज़्यादा भी। खैर सुबह के अभी जब मैं रिकॉर्ड बताऊंगा, जब ऑफिशियल रिपोर्ट अपडेट हो जाएगी तो उसके बारे में ही बात करेंगे। फिलहाल ये सारे रिपोर्ट, ये सारे डेटाज कल रात तक के हैं और सॉलिड रेस्पॉन्स देखने को मिला है। हिंदी IMAX का बताऊं तो 38 लाख की एडवांस कलेक्शन बुकिंग वहां से हो चुकी है और 6,200 टिकट उन्होंने कल रात तक वहां से भेज दिए थे हिंदी IMAX से। खैर IMAX और इनमें क्या कहते हैं, हमें कम ही देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर टिकट के प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं और वायरफ प्रोडक्शन हाउस टिकट के प्राइस हाई ही रखता है, लगभग 900, 1,000, कहीं 1,100 भी देखने को मिल जाता है एक टिकट का प्राइस। तो जब मूवी के रिव्यू आउट होंगे ना, मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर तब जाके इनमें बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। खैर लगभग 135 सोच हमें IMAX से देखने को मिल चुके हैं, हिंदी IMAX से। हिंदी 4DX का बताऊँ तो 7,50,000 की बुकिंग वहाँ से हो चुकी है। तेलुगू से बताऊं तो तेलुगु से अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तमिल से अभी ओपनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन हाँ तेलुगु से अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, 5.5 लाख का अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। फिलहाल इतना देखा भी नहीं जाता क्योंकि साउथ में बॉलीवुड की या हिंदी मूवी को इतना भाव नहीं मिलता है। बाकी टोटल अगर बताऊँ तो टोटल अभी तक टाइगर 3 ने 10,500 सोच अपने खाते में ले चुके हैं, प्लस 10,500। अभी और भी ज़्यादा आए होंगे, सुबह के आंकड़े और भी होंगे, रात भर बुकिंग चली होगी भाई, और ये कल रात 12 बजे तक की बुकिंग है। टिकट टोटल बेच चुके थे कल रात तक 2,68,000 प्लस, और लगभग कितनी कलेक्शन इन्होंने कल रात तक कर ली थी, 7,70,000 के आसपास। भाई साहब ह्यूज कलेक्शन है। तो ये मूवी आई डोंट नो कि पठान का रिकॉर्ड जो एडवांस कलेक्शन 32 करोड़ के आसपास लेके बैठी उसको बीट डाउन करेगी या नहीं करेगी, जवान का रिकॉर्ड जो लेके बैठी पर 40 करोड़ एडवांस में, तो ये रिकॉर्ड बीट डाउन करेगी नहीं करेगी, लेकिन ये मूवी फाड़ के तो जाने वाली है। मे भी हो सकता है लास्ट के 2-3 दिन में 9 या 10 तारीख को पूरा रुझान देखने को मिल जाए, अलग ही बदल जाए 11 तारीख को जो बुकिंग चलेगी, तो हो सकता है ये पठान के रिकॉर्ड को शायद टचअप कर जाए या बीट डाउन भी कर सकती है। तो जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल अगर मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, तो नेशनल चेंज में ये मूवी फिलहाल अभी के लिए तो बहुत स्लो चल रही है।
दूसरा नेशनल चेन्स में देखें तो जवान अभी नंबर वन पर बैठी पड़ी है, जिसमें एडवांस में सबसे ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट कर रखे हैं। लगभग 557,000 टिकट उन्होंने सिर्फ नेशनल चेन्स से सोल्ड आउट किए थे जवान ने। पठान ने करे थे 556,000। तो इन सब रिकॉर्ड को ये बीट डाउन कर पाती है नहीं कर पाती है वो सिर्फ बाद में देखने को पता लेगा। 12 तारीख को सुबह 6 बजे, जब 6 बजे से मूवी चालू हो जाएगी, मूवी लग जाएगी थिएटर में, तो तब जाके एडवांस बुकिंग वहां से रुक जाएगी और वहां हमें पता लग जाएगा कि इस मूवी ने नेशनल चेन से कितने बेचे हैं टिकट और उसके बाद सीधे मतलब ऑन द स्पॉट जो लोग थिएटर में जाके बुकिंग करा रहे हैं उससे कितने बेचे हैं। अभी के लिए नेशनल चेन से 1,00,000 टिकट इन्होंने कल रात तक बेचे हैं। अभी आज का दिन पूरा बाकी है, आज भी जबरदस्त बुकिंग चलने वाली है। दूसरा कैसे क्या रुझान रहेगा आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये मूवी और कितना कलेक्शन करने वाली है, क्या एडवांस से ये मूवी पठान के रिकॉर्ड को बीट डाउन कर जाएगी, आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। और फर्स्ट डे कितना इनकम रहने वाला है, मतलब फर्स्ट डे क्या ओपनिंग रहने वाली है इस मूवी की, आई थिंक मे बी 70 करोड़ तो ये जाने वाली है, ईजिली जाने वाली है। ऑल लैंग्वेज को मिला के, नेट इंडिया कलेक्शन को मिला के हो सकता है 100 करोड़ भी पहुंच जाए। लेकिन इस टाइम जो रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस टाइम पर आते आते जवान और पठान की जो हाइप थी बहुत सॉलिड हो चुकी थी, बहुत सॉलिड, दैट्स वाई कि हम यहाँ प्रिडिक्ट करने लग गए थे कि यार ये मूवी इजली 100 करोड़ टच कर जाएगी। लेकिन फिलहाल टाइगर 3 को देखकर नहीं लग रहा है कि ये फर्स्ट डे इतना जाएगी। तो आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।